हेलो दोस्तों, नीरज रितेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है, दीदी और नीसू आंसू ऊपर सब सो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ उन्हें उठाने। ये सब सो रहे हैं। ए उठो, ए आंसू उठो, दिन हो गया, उठो नीसू, नीसू उठो, ए आंसू उठ जा, रुक जा मामा, थोड़ा रुक जाए। अनिशु तुम रुक जाओ, उठते हैं। देखिए सुबह का समय, ये मैं इसकी सफाई कर दूं क्या? इस छत को मैं साफ कर दे रहा हूँ, झाड़ू लगा देता हूँ। गाइस मैंने छत को साफ कर दिया है। गेहूँ फैला देता हूँ, ठंडी से गेहूँ की नरम हो गई है। पेड़ देखिए कितने अच्छे लग रहे, घने घने। देखिए कितनी अच्छी टंकी लग रही है हमारे घर के सामने। यार आओ साग दिखाओ बेटा। मम्मी साग देख रही है, मैं भी जा रहा मम्मी का साथ देने। साग देख रही हो? कर देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी अच्छा से बेलना, अच्छा से देखना नहीं रहा ठीक, अच्छा से बोलो तो देखो। आज हम जा रहे हैं बथुआ की पकौड़ी बनाने। आज हम जा रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको साफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कीड़े तो नहीं है इसमें। मामा साग काट रहा है पकौड़ी बनाने के लिए। पत्ते को मैंने धुल दिया है, अब साग को मैं जा रहा हूँ काटने। आज पकौड़ी बनेगी, हम लोग खाएंगे। जल्दी जल्दी काटो, धीरे धीरे नहीं, पतला पतला काट, जल्दी काटो ना पतला। तो छोटे छोटे पीस में काटो। जा रहा है लोग भाई, 40 40 50 नहीं 20 20 40 तेरी अच्छी बात की मेरी वाली 40 40 50 80 जल्दी काट रहा है। पत्ते को एकदम महीन काट लें। इसकी क्या बनाओगे? बथुए की पत्ते की पकौड़ी बनाऊंगा भाई। अच्छा, साग मैंने पूरा काट लिया है, अब इसमें धनिया पत्ती डाल दे रहा हूँ स्वाद के लिए। साग मैंने काट लिया, अब इसमें जा रहा हूँ मिर्चा काटने। छोटे छोटे पीस करके मिर्चा डाल दे। ज्यादा मिर्चा ना डाले, स्वाद अनुसार डाले। अब इसमें मैं बटर मिला दे रहा हूँ, पहले नमक डाल दें। ज्यादा नमक ना डालिएगा, नहीं तो नमक का स्वाद जानते ही ज्यादा पड़ जाएगा तो खराब लगेगा। काला मिर्च डाल दे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डालिएगा तो बहुत तीखा लगेगा। हल्दी डाल दे रहा हूँ, इसको हल्दी डाल दें।
और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए। अब मैं बेसन मैंने चाल के रख लिया है, बेसन थोड़ा सा ले लेता हूँ। अब इसमें बेसन भी मिला दें। ज़्यादा बेसन न डालें, जितना आपको पकौड़ी की आवश्यकता है बस उतना ही बेसन डालें। अब इसको मैं पानी से थोड़ा सा पानी इसमें मिला के सान ले रहा हूँ। अब इसमें पानी डाल के सान लूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक बार में डालेंगे तो गीला हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको इससे अंजाद मिलेगा कि बेसन आपका सन रहा है। इस तरह से आप बेसन को सानते रहिए। मैंने सान लिया है, मेरा बैटर तैयार हो गया है। कढ़ाई मैंने रख दिया है, अब इसमें तेल डाल दे रहा हूँ गरम होने के लिए। अब जब तक ये गरम हो रही है, तेल मेरा गरम हो गया है, अब मज़ा इसमें पकौड़ी डालनी। अभी ये पक रहा, अभी गुलाबी रंग नहीं आया इसका, इसको और पकाइए जब तक गुलाबी रंग ना आ जाए। पकौड़ी देखिए गुलाबी हो गई है, पक गई है। अब मैं इसको उतार दे रहा हूँ। अच्छे से निकालिए, नहीं तो पौने के साथ तेल भी आ जाता है। दीदी पूछ रही हैं कि कितने लोगों के लिए चाय बना दें, जितने लोग पीते हैं उतनी चाय बना दीजिए। पहली बार बना रहा हूँ बथुए की पत्ते की पकौड़ी। अब खाने में कैसा स्वाद आएगा वो तो खाने वाले बताएंगे। पकौड़ी बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। पकौड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है, अब जा रहा हूँ पाव मम्मी को देने। पापा ये लीजिए चाय पकौड़ी आ गई। पहली बार बनाया हूँ, खा के बताइए कैसा बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। पकौड़ी कैसी बनी है? पहली बार बनाया हूँ। नहीं बथुआ की। तू बता खिंचाओ ना, कि नहीं ये कौन सा स्टाइल है? बांधी है चुटाई। चुटाई बांधी पर किस लिए? सर दर्द हो रहा। अच्छा सर दर्द हो रहा इसलिए चुटिया बांध ली। अरे वाह अच्छे लग रहे हो वासु। तू लड़की बन गया क्या? नहीं। निशु अपना होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब
खाना बन गया है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मामा खाना खा रहे हो? हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। चलो अभी जा रहा खाना खाने। जाओ। चलो घूमते, सब तैयार हो गए, दीदी लोग भैया लोग हाँ वो बाहर अपने एरिया में, अपने एरिया में सब तैयार हुए हैं। ठीक है चलो हम लोग चलते हैं, अपने ही एरिया घूम के चले आएंगे। ठीक, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। नाना चलेंगे, निशु चलेगा, राहु चलेंगे। हाँ चलो चलते हैं। चलो ठीक है, हम लोग खाना खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। आंसू कह रहा है कि चलो मामा बाहर चलते हैं घूमने, तो चलिए चलते हैं हम लोग घूमने। हाय गाइस, हम लोग घूमने निकले हैं आज बड़े दिनों बाद। घूमने निकले हैं भाई, घूमना टहलना क्या अंतर है? तो फिर अपने नाना के घर के एरिया में घूम रहे हैं। जल्दी आओ। कहाँ चले घूमने? घूमे तो रहे। देखो नाना कितने तेज आगे जा रहे हैं, तुम लोग पीछे हो। चलो नाना साथ चलो। हम लोग रील बना रहे हैं, ये देखो। स्कूल है आगे नहीं आता का, उसके आगे नहीं आता। ये हम लोग अपने एरिया में ही घूम रहे हैं, ये हम लोग की कॉलोनी है। चलो कहाँ जाओगे? बस ज्यादा अंदर ना जाना। अरे काऊ देख रही है, ये बॉल का है, ये सो ये बॉल वीडियो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेड़, पार्क में लगा हुआ पेड़। ये हम लोग के एरिया वाला पार्क है, अंदर वाला। हम लोग घर आ गए गाइस, हम सब घर आ गए हैं। हे गाइस, एक बार आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।